गोरखपुर सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर के 125वीं स्थापना दिवस के अवसर पर अंतर महाविद्यालयीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर इस वर्ष अपना 125वां वर्षगांठ मना रहा है। इस उपलक्ष्य में अंतर महाविद्यालयीय विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज प्रातः 11 बजे फुटबॉल ग्राउंड पर अंतर महाविद्यालयीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सीओ सैमुएल द्वारा किया गया। मीडिया प्रभारी प्रोफेसर सुशील कुमार राय ने बताया कि उद्घाटन मैच सेंट एंड्रूज कॉलेज और दिग्विजय नाथ डिग्री कॉलेज के बीच खेला गया। इस प्रतियोगिता में सेंट एंड्रूज कॉलेज ने अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए दिग्विजय नाथ कॉलेज को 12-0 के अंतर से पराजित किया। सेंट एंड्रूज कॉलेज की तरफ से अक्षत मॉरिस ने 4, अभिषेक मोहम्मद सैफ और विवेक ने 2-2 तथा अमन एवं सत्यम ने 1-1 गोल किया। दिग्विजय नाथ कॉलेज की तरफ से राहुल सिंह अविनाश शुक्ल सुमित और रितेश ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। उद्घाटन समारोह का दूसरा मैच दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर और एमपी कॉलेज जंगल भूषण के बीच खेला गया, जिसमें विश्वविद्यालय की टीम ने एमपी कॉलेज जंगल भूषण को 5-0 के अंतर से पराजित किया। विश्वविद्यालय की तरफ से विनय विश्वकर्मा ने 3 गोल और विवेक पासवान ने 2 गोल किया। एमपी कॉलेज जंगल भूषण की तरफ से युवराज सचिन राहुल और सत्यम ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। आज का मैच शारीरिक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर जेवियर मारिया राज और डॉक्टर जिलाजीत चौधरी की देख रेख में सकुशल संपन्न हुआ। मैच रेफरी के रूप में गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से संजय साहनी विकास कुमार मोहम्मद नसीम और मेहताब अहमद ने अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन किया। इस अवसर पर कॉलेज के शिक्षकों विद्यार्थियों और कर्मचारियों की उपस्थिति रही। गोरखपुर से ईएन दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सर ये जो आयोजन हो रहा है किस तरह का आयोजन है? देखिए महाविद्यालय अपने 125वें साल में प्रवेश कर गया है और 125 साल हम लोग 30 नवंबर 2024 यानी 2024 को मनाएंगे। 125 साल के उपलक्ष्य में महाविद्यालय तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। पिछले सत्र में भी हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम किए थे, इस सत्र में भी 30 नवंबर तक कोई ना कोई कार्यक्रम होगा। उसी कड़ी में आज एक कार्यक्रम है और वह है फुटबॉल टूर्नामेंट जो इंटर कॉलेजिएट्स है। अलग अलग महाविद्यालय के टीमें इसमें भाग ले रही हैं और जो विजयी प्रतिभागी होंगे उनको 30 नवंबर के दिन, जो कि हमारा फाउंडर्स डे मनाया जाता है, पुरस्कार वितरण किया जाएगा। इसके अलावा जो भी टीमें इसमें भाग ले रही हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी महाविद्यालय की तरफ से दिया जाएगा। हम सबके लिए गर्व और खुशी का क्षण है क्योंकि जब महाविद्यालय 125 साल मना रहा है, हम सब इसके गवाह हैं, हम सब इसके सहयोगी हैं, हम सब इससे जुड़े हुए हैं। महाविद्यालय का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उसी परंपरा और गौरव को हम आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और जो भी टीमें इसमें आएंगी हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि अनुशासन के साथ भाग लेंगी और विजयी होंगी, यही शुभकामनाएं हैं। 125 साल होने पर कौन चीफ गेस्ट आ रहा है? कोई अभी इस कॉलेज में बहुत से गेस्ट दिए हैं और बहुत एमिनेंट पर्सन दिए हैं, कई नामों को चर्चा चल रही है, अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि महाविद्यालय से तो एक से एक विभूतियाँ जुड़ी हुई हैं और वो विश्व के कोने कोने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो कुछ ही दिन में हम नाम का फाइनल करके और उससे संपर्क करेंगे, जब उनसे हमको मिल जाएगा तो आप बंधुओं को भी इसके बारे में बताया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।